हे वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई एम पुष्पा। आप सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बाकी क्लास तो आप देख ही रहे हैं, तो नहीं देख रहे होंगे तो आप एकदम से रेगुलर से जाकर के क्लास देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो होगा, बायोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव करके होगा, ठीक है ना। तो आप स्टार्टिंग से जा करके देखेंगे। और आपका आज जो होता है ना, सेल का चल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। कौन सा क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, मतलब जो होता है कोशिका पढ़ रहा है। तो कोशिका का आपका जो होता है यहाँ पे लास्ट कंपाउंड्स आपका बचा हुआ है, ठीक है ना। जो पहला एक है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी हम दो दो टॉपिक जो होता है रेगुलर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। कल की क्लास में जो होता है सेंट्रोसोम के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। और आज जो होता है हम यहाँ पे पढ़ने वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो इसका सबसे पहले डिस्कवर की बात करेंगे, देन उसके बाद इसका लोकेशन की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका हम बात करेंगे कि इसका नाम जो होता है, नाम क्या रखा, और भी वैज्ञानिक जितने भी वैज्ञानिक था तो नाम क्या रखा इसका, ठीक है ना। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने टाइप होते हैं इसके, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझने वाले सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक फिगर के थ्रू यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। यह जो होता है आपके कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, आपकी कोशिका झिल्ली और फिर जो होते हैं केंद्रक के पास होते हैं। ये आपका केंद्रक हो गया, और इस तरह से जो होता है, इस तरह से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से रहता है, ठीक है ना। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कहाँ रहता है यह? आपका जो होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और किसके बीच? कोशिका झिल्ली और फिर न्यूक्लियस के बीच, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। केंद्रक या फिर न्यूक्लियस जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह मतलब कहाँ होता है। तो आपके कोशिका में जो होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन और फिर न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। अगर इसके डिस्कवर की बात करेंगे तो डिस्कवर किसने किया, ठीक है। लोकेशन आपको पता चल गया होगा, तो डिस्कवर किसने किया। तो डिस्कवर की बात करेंगे तो सबसे पहले आप टॉपिक देकर के यहाँ लिखते जाएंगे। तो ईआर जो होता है, मतलब जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर किसने किया? तो गार्नियर नामक वैज्ञानिक जो होता है, जिसका क्या क्या मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो होता है डिस्कवर किया, मतलब डिस्कवर नहीं कह सकते हैं, मतलब यह क्या क्या ऑब्जर्व किया पहले, ठीक है ना। तो गार्नियर नामक वैज्ञानिक जो होता है ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किसने किया? तो गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने इसे ऑब्जर्व किया, बट ये जो होता है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या क्या? यह प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इन्होंने जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या रखा? एर्गेस्टोप्लाज्म। क्या रखा इसका नाम? एर्गेस्टोप्लाज्म इसका नाम रखा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि जो गार्नियर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या रखा? तो एर्गेस्टोप्लाज्म रखा, ठीक है, एर्गेस्टोप्लाज्म। थोड़ा आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, बगल में काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत खटखट का आवाज जाएगा, तो थोड़ा आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे मतलब गार्नियर नामक वैज्ञानिक इसका नाम क्या रखा? एर्गेस्टोप्लाज्म रखा, ठीक है। देन अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किसने किया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किसने किया? वन सेकेंड, चलिए अब यहाँ पे अगर बात करेंगे, देन सेकेंड वैज्ञानिक आया जिसका नाम था पोर्टल, ठीक है ना। दूसरा वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था? पोर्टल, ठीक है ना। पोर्टल नामक वैज्ञानिक जो होता है, इसका नाम क्या रखा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। क्या नाम रखा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका हम जो होता है क्या नाम है इसका हिंदी में, जो होता है अंतःप्राद्रव्य जालिका, ठीक है, अंतःप्राद्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। इसे यहाँ तक कंप्लीट आपका। देन अगर इसके हम टाइप की बात करेंगे तो यह कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यह जो होते हैं, अगर यहाँ पे हम फाउंड की बात करेंगे तो सबसे पहले यह एनिमल और फिर जो होते हैं प्लांट सेल और फिर एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यह जो होते हैं प्लांट सेल और पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका, ठीक है ना।
तथा जंतु कोशिका या एनिमल सेल जिसे कहते हैं, दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना, बोथ में पाया जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो होते हैं इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले जो अगर ऑब्जर्व की बात करेंगे तो गार्नियर नामक वैज्ञानिक जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया, जो मतलब इसका नाम इन्होंने क्या रखा, इसका नाम क्या रखा, एर्गेस्टोप्लाज्म। देन सेकेंड वैज्ञानिक आया जिसका नाम था यहाँ पे पोर्टल, जो पोर्टल नामक वैज्ञानिक है तो इन्होंने इसका नाम क्या रखा, यह प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाया, जिसका नाम क्या रखा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम टाइप की अगर बात करेंगे तो यह कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, यह जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, अंतः ईआर, जो हम शॉर्ट में से ईआर लिख रहे हैं, ठीक है ना, ईआर इसे हम लिख रहे हैं। यह जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, पहला आपका जो होते हैं आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, देन सेकेंड आपका जो होता है स्मूथ ईआर, ठीक है, एक आपका हो जाता है खुरदराव हो जाता है, देन आपका सेकेंड आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, दो होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले एक एक जो होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन उसका सेकेंड आपका यहाँ पे है स्मॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहते हैं चिकनी अंतः जो होता है प्रद्रव्य जालिका। तो आप इसे नोट कीजिए, मैं यहाँ से आपको जो होते हैं दोनों को डिवाइड करके बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फटाफट आप नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिया, आई होप, मैं इसे मिटा रही हूं अभी। चलिए कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में आपका क्या है यहां पे, रफ ईआर, जिसे हम क्या कहते हैं, रफ को खुरदराव। देन सेकेंड आपका यहाँ पे क्या है, स्मूथ चिकनी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर बात करेंगे यह जो होते हैं केंद्रक के पास कौन होता है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करेंगे तो यह केंद्रक के पास पाया जाता है। ठीक है ना, यह कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के पास पाया जाता है। देन अगर हम स्मूथ की बात करेंगे यहाँ पे जो होता है यह किसके पास पाया जाता है, यह जो होता है आपका यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक जो फिगर है, फिगर में आप यहाँ पे देखेंगे यह जो होता है इस तरह से, जो सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के पास आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास आपका जो होता है आपका स्मूथ ईआर होता है। ठीक है ना, स्मूथ ईयर होता है। देन अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के पास क्या होता है आपका यहाँ पे, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, कैसा होता है, रफ ईयर होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट, यह कहाँ होता है, यह न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है ना, केंद्रक के पास होता है, यह केंद्रक के पास होता है। ठीक है, देन सेकेंड की बात करेंगे तो यह कहाँ होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। ठीक है ना, क्या होता है, यह सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। ठीक है, यह कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं,
सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं जिसे, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे हम, जो यह जो होता है रफ या जो होता है जो खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह केंद्रक के पास पाया जाता है। तो अगर यह केंद्रक के पास पाया जाएगा तो ये ज्यादा जो होता है स्टेबल होगा या स्थायी होगा, ठीक है ना, यह कैसा होगा, ज्यादा स्थायी होगा, ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है, ज्यादा स्थायी। और यह जो होता है आपका यहाँ पे मतलब कम स्थायी होगा, ठीक है ना, कम स्थायी होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि मोर स्टेबल कौन होगा, तो मोर स्टेबल क्या हो जाएगा, जो केंद्रक के पास होगा। तो केंद्रक के पास क्या होता है आपका, यहाँ पे जो रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह कहाँ होता है, केंद्रक के पास होता है, ठीक है ना, कहाँ होता है, केंद्रक के पास होता है। अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे राइबोसोम की, तो राइबोसोम हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, राइबोसोम क्या होता है हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो होते हैं राइबोसोम प्रेजेंस होता है, क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंस होता है। देन अगर यहाँ पे हम बात करेंगे स्मूथ जो होता है ईआरएन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसमें जो होता है राइबोसोम कैसा होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इसमें राइबोसोम जो होते हैं पाया जाता है। देन अगर इसके बात करेंगे तो हम इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, अब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ अगर बात करेंगे हम, अगर इसमें राइबोसोम पाया जाता है तो राइबोसोम क्या करते हैं, आपको अगर पिछले क्लास में आप देखे होंगे वीडियो, अगर क्लास को रिवीजन करते होंगे तो आपको पता होगा जो राइबोसोम होता है यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यह प्रोटीन का निर्माण एवं संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है ना, क्या होता है, प्रोटीन का जो होता है यह प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, और उसके बाद जो होता है आपका यह संश्लेषण में जो होता है मदद करता है, संश्लेषण में सहायक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें जो क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब राइबोसोम है तो यह क्या करेगा, यह प्रोटीन मेकिंग का काम करेगा, ठीक है ना, प्रोटीन मेकिंग का काम करेगा, प्रोटीन मेकिंग मतलब प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन निर्माण का काम करता है, ठीक है ना, प्रोटीन निर्माण, ठीक है ना, प्रोटीन निर्माण का यहाँ पे काम करेगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यह क्या करते हैं, और संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है ना, संश्लेषण में सहायक होता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम अब्सेंट होता है। अगर राइबोसोम अब्सेंट होगा तो यह क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, और यह प्रोटीन का निर्माण करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, यह क्या करेगा आपका, वसा जो होता है आपके यहाँ पे, वसा और एस्टेरॉइड का संश्लेषण करती है, क्या करती है, यह वसा जिसे हम क्या कहते हैं, फैट कहते हैं, इसमें क्या होते हैं, अब्सेंट यानी नहीं पाए जाते हैं, तो यह क्या करते हैं, वसा जिसे फैट कहते हैं, फैट का जो होता है संश्लेषण करती है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक बार फिर से यहाँ पे आप देख लेंगे, जो आपके अंतः जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सबसे पहले अगर इसका हम ऑब्जर्व की बात करेंगे तो ऑब्जर्व किसने किया, गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यह प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका नाम क्या रख दिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एर्गेस्टोप्लाज्म इसका नाम रख दिया, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड वैज्ञानिक आया जिसका नाम है पोर्टल, जो पोर्टल नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका नाम क्या रखा, पोर्टल नामक वैज्ञानिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या नाम रखा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम रखा, ठीक है। यह जो होता है, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो यह कहाँ कहाँ फाउंड होता है, यह जो होता है आपके प्लांट और फिर एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना,
प्लांट सेल और प्लांट सेल और फिर जो होते हैं आपके एनिमल सेल, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। देन अगर बात करेंगे तो यह होता क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, लोकेशन मैंने आपको बता दिया, यह केंद्रक के पास और सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, ठीक है। यह एक प्रकार की झिल्ली होती है, एक तरह से जो होता है जाल होता है, ठीक है ना, एक झिल्ली जिसे हम जाल कहते हैं, तो जाल जैसे इसकी संरचना होती है, एक झिल्ली होती है यह, ठीक है। देन उसके बाद इसके हम टाइप की बात करेंगे तो यह कितने टाइप के होते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका जो होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कहते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका यहाँ पे जो होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देन सेकेंड आपका यहाँ पे हो जाता है जिसे हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रफ को खुरदरा कहते हैं, स्मूथ जो होता है जिसे हम कहते हैं चिकनी अंत जो होता है प्रद्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह कहाँ कहाँ फाउंड होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं यह केंद्रक के पास होता है, कहाँ होता है, केंद्रक के पास होता है। देन अगर हम बात करेंगे स्मॉल जो सॉरी स्मूथ जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो यह कहाँ पाया जाता है, यह आपके सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है, ठीक है। देन सेकेंड टॉपिक आपका क्या है, अब जो जो अगर केंद्रक के पास होगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा, तो वो मोर स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्थायी होगा। अगर जो अगर बात करेंगे सेकेंड नंबर, तो जो सेल मेम्ब्रेन के पास होगा वो ज्यादा स्थायी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पूछा जाएगा कि मोर स्टेबल कौन होगा, तो ज्यादा स्थायी कौन होगा आपका यहाँ पे, तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे थर्ड टॉपिक की बात करेंगे तो यह इसमें क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब यहाँ पे अगर राइबोसोम पाया जाता है तो यह क्या करेगा, राइबोसोम अगर पाया जाता है तो यह सिंपल सी बात है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, ठीक है ना। यह क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें क्या होता है, राइबोसोम अब्सेंट होता है तो यह क्या करता है, वसा जिसे हम फैट कहते हैं, फैट और फिर एस्टेरॉइड्स का यहाँ पे जो होता है क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आपका जो होता है लास्ट, आपके सेल जो होता है कोशिका का एक लास्ट कंपाउंड्स बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, हम प्लास्टिड कहते हैं, या जिसे हिंदी में हम लोग लवक कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर मैं इसे अभी मिटा रही हूँ। नोट कर लिए, चलिए नहीं किए तो वीडियो को पॉज करेंगे, देन उसके बाद नोट करेंगे। इतना टाइम अगर मैं नोट करने में दे दूंगी तो फिर कैसे चलेगा। चलो फिर मैं ऐसे मिटा रही हूँ, जल्दी जल्दी। सेकेंड हेडिंग आप यहाँ पे क्या डाल लेंगे, आप सेकेंड हेडिंग आप यहाँ पे डालेंगे प्लास्टिड, जिसे हम क्या कहते हैं, लवक कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिड आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। चलिए हेडिंग डालिए अब यहाँ पे ऊपर में प्लास्टिक। जिसे हम क्या कहते हैं, लवक, लवक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जिसे हम लवक कहते हैं। हम अब क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, प्लास्टिड के बारे में, यानी लवक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लवक की बात करेंगे, जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड की बात करेंगे तो यह जो होते हैं, अगर डिस्कवर की सबसे पहले बात करेंगे तो डिस्कवर किसने किया, तो जो प्लास्टिड होते हैं, जो लवक होते हैं, इसका डिस्कवर किसने किया, तो हैकल नामक वैज्ञानिक जो होते हैं इसका क्या क्या डिस्कवर किया, हैकल, हैकल नामक वैज्ञानिक, ठीक है ना, हैकल नामक वैज्ञानिक इसका जो होता है डिस्कवर, डिस्कवर किया, ठीक है ना। हैकल नामक वैज्ञानिक ने जो होता है इसका क्या क्या डिस्कवर किया। देन उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यह जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे, यह केवल जो होते हैं आपकी प्लांट सेल, जिसे हम कहते हैं पादप कोशिका, यह जो होते हैं केवल प्लांट सेल या पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है, यह केवल प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। तो नोट करेंगे, यह केवल
पादप कोशिका जिसे हम क्या कहते हैं, पादप कोशिका को प्लांट सेल, ठीक है ना, प्लांट सेल कहते हैं। कहाँ पाया जाता है, यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। देन अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका अगर हम काम की बात करेंगे तो यह क्या मतलब, यह जो होते हैं, जो जितने भी फूल होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपको पता होगा जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसका कलर देने का काम कौन करता है, तो कलर देने का काम जो होता है यह करता है आपका लवक, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड, ठीक है ना, प्लास्टिड करता है। जैसे आपके यहाँ पे जो व्हाइट होते हैं आपके रोज होते हैं, देन उसके बाद पिंक कलर के रोज होते हैं, रेड रोज होते हैं, ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स की बात करेंगे तो ग्रीन होता है मैंगो, ग्रीन से मैंगो जो होते हैं वह येलो हो जाते हैं पक जाने के बाद, ठीक है। तो ये सारे कलर देने का काम कौन करते हैं आपके यहाँ पे, प्लास्टिड करता है, ठीक है ना, कौन करते हैं आपके यहाँ पे, प्लास्टिड करता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे नोट कीजिए, यह केवल कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका यानी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाया जाता है। देन सेकेंड टॉपिक आप यहाँ पे लिखेंगे, यह फ्लावर यानी जो होते हैं फूल या जो भी फ्रूट्स हो उसमें क्या करते हैं, जो होते हैं फ्लावर में कलर रंग देने का काम करते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। अब अगर इसके हम टाइप की बात करेंगे तो यह कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, अब सभी में जो होते हैं अलग अलग कलर होते हैं। अब जो यहाँ पे प्लास्टिड होते हैं यह थ्री टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं प्लास्टिड, थ्री टाइप के होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आप, मैं इसे मिटा दे रही हूँ तो नोट करेंगे, नहीं तो फिर बोर्ड पे स्पेस नहीं बचेगा। तो पहले आप इसे इतना नोट कीजिए, अगर हम यहाँ पे डिस्कवर की बात करेंगे तो किसने किया, जो हैकल नामक वैज्ञानिक है इन्होंने प्लास्टिड का डिस्कवर किया। देन अगर हम बात करेंगे तो यह कहाँ पाया जाता है, यह एनिमल सेल में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, यह एनिमल सेल में यानी जो होते हैं जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह केवल आपका जो होते हैं प्लांट कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। देन अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो यह फ्लावर में जो होते हैं, जो आपके प्लांट में होते हैं, प्लांट में इसका क्या काम होता है, तो प्लांट में जो होता है इसका काम होता है आपका जो मतलब जो होता है कलर देने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब इसे मैं मिटा रही हूँ, आप आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, मैं मिटा रही हूँ, ठीक है ना। देखो जैसे मैं अगर लिखूँ ना तो आप कॉपी पेन लेके बैठो, उसके बाद जल्दी जल्दी आप नोट करते जाओ, ठीक है ना, जैसे ही मैं लिखूँ तो आप नोट भी करते जाओ और देखो भी अच्छे से, ठीक है। तो चलो अब पहला यहाँ पे अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो पहला आपके अगर इसके टाइप की बात करेंगे तो यह थ्री टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका यहाँ पे हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित कहते हैं, ठीक है ना। देन अगर सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड आपका दूसरा आपका यहाँ पे हो जाता है लिकोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, लिकोप्लास्ट को श्वेत वर्णक कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वेत वर्णक कहते हैं। देन आपके थर्ड नंबर यहाँ पे बात करेंगे तो जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं पर्णहरित। तो पहला आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं पर्णहरित, सेकेंड का आप यहाँ पे लिखेंगे लिकोप्लास्ट और थर्ड नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है क्रोमोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं पर्णहरित और ये आपका स्वायत्त लवक, ठीक है। देन आपका ये आपका पर्णहरित हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पर्णहरित का, यानी जो आपके क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं यह इसमें जो होते हैं यह हरा कलर का जो होता है पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कैसा पिगमेंट्स होता है, यह जो होता है हरा कलर का पिगमेंट्स होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें जो होता है हरा यानी ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है। देन अगर हम यहाँ पे लिकोप्लास्ट की बात करेंगे तो लिकोप्लास्ट जो होते हैं इसमें व्हाइट और ट्रांसपेरेंट कलर देता है, ठीक है ना। व्हाइट कैसा कलर देता है, व्हाइट एंड
ट्रांसपेरेंट कलर, ट्रांसपेरेंट कलर कैसा होता है? जैसे आपको पता होगा जब आप न्यू फोन खरीदते होंगे तो उसमें एक ट्रांसपेरेंट कवर देता है जिसमें आपका न्यू फोन भी दिखता है, देन उसके बाद आपका कवर से जो होता है, जैसा आपका फोन बहुत अच्छे होते हैं न्यू में, तो कवर से आपके जो अंदर के जो होते हैं, मतलब वो सारे जो होते हैं, जो मतलब आप देख करके लेते हो ना, चलो मुझे ब्लैक कलर लेना है, मुझे रेड कलर लेना है, तो ट्रांसपेरेंट में वो दिखता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो होते हैं, अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट में जो होते हैं व्हाइट एंड जो होते हैं ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्रोमोप्लास्ट में जो होता है आपका यहाँ पे यह जो होते हैं ये सफेद और ग्रीन, ठीक है ना, यानी व्हाइट एंड ग्रीन, ठीक है, ग्रीन ट्रांसपेरेंट और जो होते हैं ये सभी कलर को छोड़ के, सारे कलर देते हैं, ठीक है ना, सारे कलर देते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। अगर हम यहाँ पे ग्रीन कलर की बात करेंगे तो ग्रीन कलर जो होते हैं आपके यहाँ पे पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट देते हैं, देन अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसमें व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर देते हैं, देन उसके बाद हम क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसमें व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर को छोड़ करके बाकी ये सारे कलर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ क्या करते हैं, जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अगर आप इससे पहले की क्लास में, सॉरी मैं पहले क्लास तो नहीं कहूंगी, मतलब जो होते हैं अगर 10th क्लास में आप अच्छे से पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो यह क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसका काम क्या होता है, पर्णहरित का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है जो क्या होते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। यानी जो फूड का अगर हम प्रिपरेशन की बात करेंगे, जो मतलब पौधे में जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें अगर भोजन की बात करेंगे तो भोजन का निर्माण जो करता है वह किसके प्रेजेंस में जो होते हैं आपके मतलब ये जो होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में, देन उसके बाद जो होते हैं आपके यहाँ पे H2O के प्रेजेंस में, ये सारे के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन को बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, पर्णहरित। अब जिस जितने भी प्लांट्स होते हैं जिसमें पर्णहरित पाया जाएगा वो सारा कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट में कैसा होता है, यह व्हाइट और ट्रांसपेरेंट कलर को छोड़, मतलब जो होता है व्हाइट और ट्रांसपेरेंट कलर देता है, ठीक है ना। कैसा कलर देता है, व्हाइट और ट्रांसपेरेंट कलर देता है, ठीक है ना। यह सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो कहाँ पाया जाता है, यह सबसे ज्यादा आपके जड़ में पाया जाता है, ठीक है ना। यह सबसे ज्यादा जड़ों में पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्रोमोप्लास्ट में जो होते हैं यह क्या करते हैं, जैसे आपके जो इसमें सभी कलर देते हैं, व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर को छोड़ करके सारे कलर देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टमाटर, ठीक है ना, टमाटर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो जो होते हैं सबसे पहले वो स्टार्टिंग में कैसा होता है, ग्रीन होता है, और ग्रीन से जो होता है, अब ग्रीन होता है तो आपको ये भी पता होगा जब वो पक जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, वह येलो कलर का हो जाता है, ठीक है ना। कैसा कलर हो जाते हैं, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो येलो कलर का हो जाता है, तो यह जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीधे आपके यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कैसा हो जाता है पक जाने के बाद, उसमें क्या प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, क्रोमोप्लास्ट के प्रेजेंस में जो होते हैं वह कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है ना। कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब जो टमाटर होता है तो टमाटर का कलर कैसा होता है, टमाटर का कलर रेड होता है, इसमें क्या होता है, लाइकोपीन होता है, ठीक है ना। टमाटर में क्या होता है, लाइकोपीन। गाजर की बात करेंगे तो गाजर में क्या होता है, गाजर कैरोटीन होता है ना, कैरोटीन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। तो
अब यहाँ पे प्लास्टिड जो होते हैं, सबसे पहले इसका जो होता है डिस्कवर किसने किया, हैकल नामक वैज्ञानिक ने इसका डिस्कवर किया। देन अगर बात करेंगे तो यह जो होते हैं आपके, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दूसरा लिपोप्लास्ट होते हैं, और तीसरा नंबर पे आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यह क्या करते हैं, इसमें हरा कलर का होता है, और यह जो होते हैं फोटो, अब जितने भी जिसमें जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट्स जो होता है, मतलब ग्रीन कलर का यह रंग देगा जिसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रेजेंट होता है। और यह क्या होगा, जो फूड में भोजन बनता है, ठीक है ना, भोजन में यह जो होता है, भोजन के संश्लेषण में यह सहायक होता है। ठीक है, देन उसके बाद लिकोप्लास्ट की बात करेंगे तो यह श्वेत लवक होता है जो व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर देता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा यह कहाँ फाउंड होता है, सबसे ज्यादा यह होता है आपके जड़ों में पाया जाता है। ठीक है ना, देन उसके बाद अगर यह हम यहाँ बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की, यह व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर, ठीक है ना, व्हाइट एंड जो होते हैं आपके ग्रीन एंड ट्रांसपेरेंट कलर को छोड़ करके सारे कलर देते हैं। ठीक है ना, सारे कलर देते हैं। जैसे अगर टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर क्या होता है, लाइकोपीन हो गया। देन उसके बाद गाजर की बात करेंगे तो गाजर में क्या हो जाता है, अब यहाँ पे एक कलर और देख लो, हाँ जैसे येलो कलर हो गया। ठीक है ना, येलो की अगर बात करेंगे, येलो में क्या हो जाता है, जेंथोफिल हो जाता है। ठीक है ना, येलो में कैसा कलर हो जाता है, जेंथोफिल। येलो में क्या प्रेजेंस होता है, जेंथोफिल। ठीक है, अब यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया, जितने भी सेल होता है सेल का सारे कंपाउंड्स आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से आपका कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए एंड आरएनए के बारे में। किसके बारे में कल आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, डीएनए और फिर आरएनए के बारे में। और यह भी जो होते हैं आपके सेल का टॉपिक होता है जो न्यूक्लियस में फाउंड होते हैं, जो न्यूक्लियोक एसिड होता है, न्यूक्लियर एसिड होता है, वो इसके टाइप होते हैं। तो डीएनए एंड आरएनए होते हैं जिसमें हम लोग को डिटेल में पढ़ना होता है, फिर उसके बाद जीन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तब तक लिए बाय बाय आप सभी को।